आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। 3 पार्ट्स है, मैं एक एक करके पार्ट्स बताऊंगी और एक एक कर उनका सलूशन बताऊंगी। सबसे पहले टास्क में कहता है कि आपने इंस्टॉल करना और सेटअप करना है एक्स्ट्रा थीम को, साथ में स्टार्टर साइड प्लगइन्स को आपने जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है और उसके साथ साथ उनको सेटअप करना है। इसके लिए आप अपने वैम्प, एक्सम्प या फिर आपकी फ्लाईव्हील पे क्रिएट की कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है अपनी एग्जाम पे क्रिएट की हुई वेबसाइट का यूज करूंगी। सबसे पहले हम अपीरियंस में आएंगे। अपीरियंस में आने के बाद मैं यहाँ से थीम्स वाले कॉलम पे क्लिक करूंगी और हम यहाँ पर अपनी ऐड न्यू थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम सर्च में यहाँ पे एस्ट्रा को सर्च करेंगे एंड वी विल सी कि हमारे पास एस्ट्रा से रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट आते हैं। डिपेंड ऑन योर सर्वर, मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा की थीम आ गई है। अब हम यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। मीन वाइल ये इंस्टॉलिंग कर रहा होगा तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट करा दूंगी एमएस वर्ड की फाइल में टास्क वन में, क्योंकि आपने इंस्टॉलेशन और सेटअप से रिलेटेड यहाँ पर टास्क अपने सबमिट कराने हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद अपने प्लगइन सेक्शन से स्टार्टर टैंपलेट्स को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इन्होंने आपसे कहा है कि आपने स्टार्टर साइड प्लगइन जो होते हैं एक्स्ट्रा के उनको जो है वो इंस्टॉल्ड आउट करना है, तो हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल करेंगे। डिपेंड करता है आपके सर्वर पे कि ये कितनी देर लेता है इंस्टॉलेशन एंड देन एक्टिवेशन के प्रोसेस के लिए। मीनवाइल ये इंस्टॉल्ड हो रहा है, काम करते हैं, प्लगइन को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो प्लगइन में जाके इसको दूसरे टैब में खोलकर जो है वो इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्लगइन का टैब आ रहा है और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं स्टार्टर टैम्पलेट्स को जो है वो सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टर टैम्पलेट्स जो है वो आ जाए, ताकि दोनों काम एक ही साथ जो है वो मेरे आसानी से हो जाए। मेरी थीम यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड हो गई है। यहाँ से सिंपल क्या करूंगी, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दूंगी ताकि ये थीम इतनी देर एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ से मुझे क्या करना है, प्लगइन सेक्शन में, मैं प्लगइन सेक्शन के अंदर हूँ। प्लगइन सेक्शन के अंदर से ये जो स्टार्टर टैम्पलेट्स हैं आपने इनको यहाँ से इंस्टॉल्ड कर लेना है, तो ये भी यहाँ से इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। मीनवाइल हम क्या करते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो दोनों जो हमारे पास यहाँ पे टास्क होंगे वो क्या होंगे, वो अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ पर कंप्लीट आउट हो जाएंगे। दोनों चीजें आ रही है, मैं जो हूँ इनका कंप्लीट फाइनल लुकअप आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल्ड हो रहा है और यहाँ पर मेरी एस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई। तो चलें एक बार वेबसाइट का विजिट करके देखते हैं कि एस्ट्रा का लुक जो है वो वेबसाइट पे किस तरीके का दिख रहा है। तो यू कैन इजिली सी कि इस तरीके से एस्ट्रा मेरे पास इंस्टॉल्ड आउट हो गई है। अब हम यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में यहाँ से एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाए। एंड एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर हम क्या करें, हम इसके ऊपर अपनी वर्किंग करें। अब जब तक ये एक्टिवेट होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखें स्टार्टर टैंपलेट जो है वो मेरा एक्टिवेट हो गया है। तो इसका एक फाइनल स्क्रीनशॉट आपके लिए ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं दे रही हूँ स्क्रीनशॉट। अगर नहीं देना चाहे तो बस ये जो दो स्क्रीनशॉट हमने दिए हैं टास्क वन में ये भी काफी है। देन कहते हैं आप फाइंड करें पर्सनल पोर्टफोलियो स्टार्टर साइड टैंपलेट में और आप जो है उसको क्या करें यहाँ पर उसका स्क्रीन शॉट जो है वो हमें प्रोवाइड आउट करें। तो चले हम यही काम करते हैं। यहाँ पे स्टार्टर टैंपलेट में तो है, तो गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारी जो टैंपलेट्स हैं वो हमारे पास आ जाए और हम आसानी से इसके ऊपर वर्किंग करें। मीनवाइल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप AI वेबसाइट बिल्डर के थ्रू बनाना चाहते हैं, टैंपलेट के थ्रू बनाना चाहते हैं। तो हम टैंपलेट के थ्रू बनाएंगे, तो जो है हम यहाँ से टैंपलेट को चूज कर लेंगे। इसमें हमने क्या चूज करना था, इसमें इन्होंने मुझे बताया था कि मुझे पर्सनल पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं यहाँ से उसे कॉपी करती हूँ, स्टार्टर टैंपलेट में पर्सनल पोर्टफोलियो के ऊपर पुट आउट करती हूँ। वी कैन सी कि हमारे पास पर्सनल पोर्टफोलियो से रिलेटेड किस टाइप के रिजल्ट आते हैं। तो ये आपके सर्वर पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो मेरी साइट थोड़ी सी स्लो जा रही है इंटरनेट स्पीड की वजह से, तो जैसे ही ये लोड होती है हम इसको कंपाइल करेंगे। मीनवाइल क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं इसी तरीके से एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर आपका लोड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी लोड होता तो आप तब तक वेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास आ जाए और यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड होना शुरू हो गए, तो यहाँ पे काफी सारे जो हैं वो मेरे पास
पास जो है पोर्टफोलियोज है, लेकिन इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे फ्री वाले जो है उनको यूज करना है। तो जैसे ये एक अच्छा लग रहा है फ्री वाला, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस तरीके से यूज करना, मुझे लाइफ कोच वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इस लाइफ कोच वाले को क्या करूंगी, यहाँ पे यूज करूंगी। बट उससे पहले एक अदर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और इसको सबमिट करा देते हैं टास्क नंबर 2 के अंदर, ताकि हमारा ये जो यहाँ पर टास्क है ये क्या हो, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि तीसरे टास्क में कहते हैं कि आप इंपोर्ट करें पर्सनल पोर्टफोलियो कोई भी टेम्पलेट डेमो कंटेंट के साथ, और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो हम ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे लाइव कोच का टेम्पलेट है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर अगर इसमें रखना चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से इसको इसी तरीके से कंसीडर करूंगी। कंसीडर करने के बाद फीचर्स वगैरह मुझे कह रहे हैं, तो अगर आपने कुछ फीचर सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर दूंगी इस स्टेप को। बस मुझसे यहाँ पे फिर मेरे बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा, तो अपने बारे में जो है वो आप यहाँ पे बता दें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, आप बिगनर हैं ये बता दें, और हम अपने लिए इस साइट को बना रहे हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ तक आपने चूज कर लेना है। इसके बाद इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, MS वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 3 में पुट कर देना है। अब यहाँ से सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक करें, और जैसे जैसे ये बिल्डिंग करता जाए, यहाँ पर आप थोड़े थोड़े स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करा दें, तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसको एडिट नहीं करना, इसमें चीजें नहीं करनी, वो आपको अगली एक्सरसाइज के अंदर बताया जाएगा कि क्या चीज एडिट करनी है, क्या चीज प्रोवाइड करनी है, और किस तरीके से उसको यहाँ पे आपने कंसीडर करना है। तो वो सब जो जितना भी प्रोसेस है वो अगली जो है हमारी एक्सरसाइज जब आएगी थर्ड वाली, तो उसमें जो है वो हमें बताया जाएगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरी वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है, तो उसमें से आना से लास्ट में चेकआउट कीजिए। वर्डप्रेस के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है, तो आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सोल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लास्ट में चेकआउट कीजिए। और अगर आप वर्डप्रेस का कोर्स करें, तो साथ साथ मेरे चैनल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वीडियोस भी लाजमी चेकआउट कीजिए, क्योंकि एज अ वेब डेवलपर, एज अ वेब डिजाइनर, आपके लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ऑलमोस्ट 90% तक हो गया, तो यहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी एंड सबमिट करा दूंगी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ताकि बिल्कुल जो फाइनलाइजेशन ऑफ द चेंजेस है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए हमारी वेबसाइट बन गई है 2 मिनट 36 सेकेंड्स के अंदर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। इसके बाद हम जो है वो सिंपल अपनी विजिट वेबसाइट कर सकते हैं, विजिट डैशबोर्ड कर सकते हैं। तो हम विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, और मैं साथ साथ विजिट योर डैशबोर्ड पे भी क्लिक करती हूँ, ताकि डैशबोर्ड भी आ जाए और जो वेबसाइट आ रही है वो भी आ जाए। तो आप देखिए ये जो वेबसाइट का पोर्टफोलियो था, ये हमारे पास यहाँ पर आसानी से आ गया। तो आप भी इस तरीके से इसको क्रिएट आउट कर सकते हैं। अगर एडिट इस पेज को थोड़ा सा एडिट करने के लिए हम वेबसाइट में आते हैं, पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे होगा होम का फ्रंट पेज एरा। मैं यहाँ पे इसको एडिट करके क्लिक करती हूँ, वी विल सी कि क्या हम इसमें यहाँ से एडिट कर पाते हैं। अदरवाइज मुझे एलिमेंटर का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको एडिट यहाँ पे कर सकूंगी। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पर टेक्स्ट आ रहा है आई एम, यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, इसकी जगह मैं सिंपल अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पे, और इसको हम जो है क्या करा देंगे, इसको हम करा देंगे सेव। एंड सेव करने के बाद हम इसको सिंपल व्यू कर लेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो कंपाइल आ जाए। पहले देखें इस तरीके से लिखा आ रहा था, अब मैं इसको सिंपल रिफ्रेश करती हूँ और अब यहाँ पे मेरा नाम लिखा आएगा। तो ये एक फाइनल आप जो है वो आउटपुट ले लीजिए इसका, और इसे सबमिट कराते हैं MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आपकी जो वर्डप्रेस की हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।